बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक न्यू रिलेक्सी के साथ मैं हुसैन। स्टूडेंट्स, आज की सेक्शन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट टिप डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये देखें, यहाँ पर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थ्री पिक्चर्स हैं। एक पिक्चर ये है, एक ये है और ये पिक्चर है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसी ट्रिक को यूज़ करूँगा जिससे आप कोई भी पिक्चर कॉपी करके सारी की सारी जो पिक्चर्स होती हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं उस पिक्चर के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ये देखें, मैं इसको पिक्चर पर आता हूँ और यहाँ पर मैं कॉपी के आइकन पर डबल क्लिक करता हूँ। देखिए, जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर क्लिप बोर्ड में ये जो पिक्चर है ये कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, आपने कीबोर्ड से कंट्रोल एच की प्रेस करनी है। जैसे ही आप कंट्रोल एच की प्रेस करेंगे तो आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस का यहाँ पर डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। फाइंड वर्ड में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो पावर का साइन होता है जिसको हम कैप साइन भी कहते हैं वो लगाना है और यहाँ पर जी लिखना है। इट मीन के ये करेगा क्या, ये हमारे पास जितने भी ग्राफिक्स होंगे, जो भी हमारे पास पिक्चर्स होंगी हमारे डॉक्यूमेंट में, वो सारी की सारी फाइंड करेगा। उसको रिप्लेस हम किसके साथ करवाएंगे, मैं दोबारा से पावर का आइकन लगाता हूँ, सी। सी मीन्स के जो चीज़ हमने क्लिप बोर्ड में कॉपी करके रखी हुई है उसके साथ सारी की सारी पिक्चर को ये रिप्लेस कर दे। अब मैं नेक्स्ट काम क्या करूँगा, मैं यहाँ से रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूँगा और इसके बाद देखें, मैं इसको ओके करता हूँ, यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। तो देखें, जितने भी मेरे पास यहाँ पर थ्री पिक्चर्स थी, तो थ्री की थ्री जो पिक्चर्स हैं वो रिप्लेस हो गई हैं उस पिक्चर के साथ जिसको हमने क्लिप बोर्ड में सेव किया हुआ था। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक को यूज़ करते हुए अगर आपके पास 100 या 1000 पिक्चर्स भी हैं तो आप इस ट्रिक को यूज़ करते हुए उन सारी की सारी पिक्चर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पिक्चर्स को रिप्लेस करने की समझ आई होगी। अगर आप इसी तरह की ऑफिस से रिलेटेड वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।